ओके बेटा सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्टी सबसे पहले करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कह रहा है बना आपसे से अ सल्यूशन ऑफ नाइन परसेंट एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ टेन परसेंट सोल्यूशन इन टू इट द रिजल्टिंग मिक्सचर शुड बी मोर देन फोर परसेंट एंड लेस देन सिक्स ऑफ एसिड इफ़ यू हैव सेवन सेवन हंड्रेड लीटर्स ऑफ नाइन परसेंट सोल्यूशन हाउ मच लीटर्स ऑफ टू परसेंट सोल्यूशन शुड बी यूज चलिए बताइए जिस क्वांटिटी को आपको ऐड करना है उसको एक्स मानेंगे देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इन फ्रेम करना है क्या कह रहा है सोल्यूशन ऑफ नाइन परसेंट एसिड टू बी डायल्यूटेड बाई एडिंग टू परसेंट एसिड सोलूशन इन टू इट तो सबसे पहले नाइन परसेंट एसिडिक सोल्यूशन को टू परसेंट एसिड मिलाकर के डायल्यूट किया जा रहा है और जो आपके पास टोटल सोल्यूशन है वो सेवन हंड्रेड लीटर लीटर है क्लियर तो सेवन हंड्रेड लीटर में कुछ मिला कर के परसेंटेज टू परसेंट एसिड मिला कर के इसको डाइल्यूट किया जा रहा है और जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो चार परसेंट से ज़्यादा और छः परसेंट से कम होनी चाहिए बोलिए यस और नो यस जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो फोर परसेंट से ज़्यादा है और छः परसेंट से कम होनी चाहिए तो आइए एनिक्वालिटी किस तरीके से फ्रेम होगी ये देखिए इनिक्वालिटी फ्रेम हो रही है इस तरीके से टोटल आपके पास जो एसिड है वो कितना है 700 हंड्रेड लीटर का नाइन परसेंट है कि नहीं है सो पर नाइन परसेंट ऑफ 700 हंड्रेड नाइन परसेंट ऑफ 700 हंड्रेड प्लस डाइल्यूट किया डाइल्यूट कितने से किया टू परसेंट से टू परसेंट किसका एक्स लीटर का जो मिलाया आपने ऐसा करने में जो टोटल सोल्यूशन आया वो कितना हो चुका है 700 हंड्रेड प्लस एक्स बन चुका कि नहीं बन चुका ऐसा करने पर जो टोटल सोल्यूशन है वो 700 हंड्रेड प्लस एक्स का हो चुका है क्लियर तो 700 हंड्रेड प्लस एक्स लीटर में एसिड की कंसनट्रेशन मिनिमम कितनी है फोर परसेंट यानी कि फोर अपॉन हंड्रेड बोलिए ये सोनो एंड मैक्सिमम कितनी है सिक्स परसेंट मतलब कि सिक्स अपॉन हंड्रेड क्लियर समझ में आ गया तो सो so बेटा जो मिनिमम कंसंट्रेशन है वो फोर परसेंट है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो सिक्स परसेंट है मतलब कंसंट्रेशन फोर परसेंट से लेके सिक्स परसेंट तक वेरी कर रही है क्लियर कि नॉट क्लियर क्लियर अब आइए इसकी इन्हें क्वालिटी फ्रेम कर लेते हैं तो नाइन परसेंट ऑफ सेवन हंड्रेड मतलब नाइन अपॉन हंड्रेड इंटू सेवन हंड्रेड होगा कि नहीं होगा प्लस टू अपॉन हंड्रेड इंटू एक्स शुड बी लेस और नहीं इक्वल नहीं आएगा लेस ही आएगा सिक्स अपॉन हंड्रेड इंटू सेवन हंड्रेड प्लस एक्स और यहाँ पे फोर अपॉन हंड्रेड सेवन हंड्रेड प्लस एक्स बोले होगा कि नहीं होगा इट विल बी बेटर कि आप हंड्रेड कॉमन लेके कैंसिल कर दो जिसको इन्हें क्वालिटी की भाषा में कहते हैं कि हम एल्शियम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हंड्रेड ये ये दोनों एल सी एम लेके हंड्रेड और एक हंड्रेड ये बोले क्लियर की नॉट क्लियर तो अब इक्वेशन आपका इजी बन जाएगा फोर इंटू सेवन हंड्रेड प्लस एक्स लेस देन ये इक्वल बार बार मैं लिख देता हूँ मगर इक्वल यहाँ पे नहीं है, है ना इज लेस देन इज लेस देन नाइन इंटू सेवन हंड्रेड सिक्सटी थ्री हंड्रेड प्लस टू एक्स लेस देन सिक्स मल्टीप्लाई बाई सेवन हंड्रेड प्लस एक्स बोलिए क्लियर की नॉट क्लियर अब इसको दो पार्ट में हमको सॉल्व करना पड़ेगा एक लेफ्ट पार्ट ये है और एक राइट right पार्ट ये है तो हमको दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग क्लियर तो जब दोनों पार्ट में सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करने पर आएगा एक्स इज लेस देन वन सेवन फाइव जीरो और राइट right पार्ट को सॉल्व करने पर आएगा राइट right पार्ट को सॉल्व करने पर आएगा uh, एक्स लेस देन वन सेवन फाइव जीरो और राइट right पार्ट को सॉल्व कर पाएगा एक्सेज ग्रेटर देन फाइव ट्वेंटी फाइव तो दोनों को मर्च करके इन इक्वाली की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम कि एक्स की वैल्यू फाइव ट्वेंटी फाइव से बड़ी है यस ऑर नो एंड वन सेवन फाइव ज़ीरो से छोटी है बोलिए क्लियर की नॉट क्लियर सो दम मिनिमम अमाउंट ये जो जो एक्स की अमाउंट होगी आपकी जो आप मिला रहे हो वो क्या होगी फाइव ट्वेंटी फाइव से लेकर के वन सेवन फाइव ज़ीरो लीटर ओके चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे से आ गया समझ में कि नहीं आया ये इकलौता क्वेश्चन है बेटा आपके एन बुक का जो थोड़ा सा टिपिकल है ठीक है ना उसमें बस यही ध्यान रखना है कि टोटल ओवरऑल सल्यूशन जो है 700 लीटर है और 700 लीटर में जो एसिड कंटेंट है वो 9 परसेंट है अब उस 9 परसेंट में हमको डाइल्यूशन करके 4 से लेके 6 परसेंट के बीच में लाना है क्लियर कि नॉट क्लियर मतलब पहले नौ परसेंट एसिड था अब उसमें दो परसेंट एसिड मिलाया गया समझ में आया तो एसिड जो बनने वाला रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो ओवरऑल एसिड कंटेन उसकी चार परसेंट से लेकर छः परसेंट के बीच में है चलिए बना लीजिए इसको और यदि सॉल्व ना करते बने तो मुझे बताइए फिर मैं सॉल्व भी करवाऊ डन ओके करिए ओके दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा ये अपने आप में बहुत टिपिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का पहला पार्ट बना कि नहीं बना बहुत इजी क्वेश्चन क्या दिक्कत है बेटा हाँ बस इसी को सॉल्व करना आपको तो अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया क्या क्वेश्चन आपने पहले भी हमसे पूछा है आइए इसको सॉल्व करा देता हूं कैसे करते हैं इट्स ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या है शो दैट नाइन टू दावर एन प्लस वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ओ भाई थिकनेस कुछ ज्यादा हो गई चलिए नॉट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या कह रहा भाई साहब क्वेश्चन शो दैट नाइन टू पावर एन प्लस वन माइनस एट एस माइनस नाइन इज डिविजिबल बाई सिक्सटी फोर यही है ना बेटा तो अपने पास जो एक्सप्रेशन है उसको अपन ले लेते हैं स्टेटमेंट है वी हैव स्टेटमेंट नाइन टू पावर एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इस एक्सप्रेशन को मैं x मान लेता हूँ क्या मान लेता हूँ बेटा x अब हमको ये शो करना है कि ये 64 से डिविजिबल है अगर कोई चीज़ 64 से डिविजिबल होगी तो 64 कॉमन आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा अगर एनी थिंग डिविजिबल बाई सिक्सटी अगर कोई x कोई नंबर है तो 64 से डिविजिबल है तो आप x को क्या लिख सकते हो 64 का मल्टीपल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो अगर कोई नंबर x 64 से डिविजिबल है तो डिवीजन करने पर कुछ ना कुछ इंटीजर प्रोड्यूस करेगा सो so, x इक्वल टू सिक्सटी फोर लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता हाँ तो यही हमको टेंडेंसी लेके आगे बढ़ना है सो लेट्स प्रोसीड x इक्वल्स टू नाइन टू दावर n प्लस वन क्या मैं इसको वन प्लस एट की पावर n प्लस वन लिख सकता हूँ माइनस एट एन माइनस नाइन रहन दीजिए अब x इक्वल्स टू यदि मैं इसको ओपन करता हूँ कल मैंने बायोलोमियल एक्सपेंशन पढ़ाई थी आपको वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन इन टू एक्स की पावर वन एन सी टू एक्स की पावर टू दो ऐसे है ना तो है ना तो बेटा यहाँ पे एन प्लस वन सी ज़ीरो ठीक है कुछ होगा ही नहीं फिर एन प्लस वन सी वन एट की पावर वन एन प्लस वन सी टू एट की पावर टू डा ड ड डा 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 माइनस एट एन माइनस नाइन चलेगा कि नहीं चलेगा अब भैया आप जानते हो कि, कि किसी का भी सी जीरो हो दुनिया का कोई भी सी जीरो वैल्यू क्या होती है वन तो ये बेटा वन रख दिया अब किसी का एन सी वन हो एन सी वन एन ही होता है मतलब वही नंबर हो जाता है एन सी वन इक्वल टू एन तो यहाँ एन की जगह एन प्लस वन खेल रहा है तो यहाँ पे एन प्लस वन और मल्टीप्लाई बाय एट की पावर वन क्लियर की नॉट क्लियर अब मुझे ये बताइए यहाँ पर एट की पावर टू से बड़ी होगी सबकी सब तो क्या मैं एट की पावर टू कॉमन ले सकता हूँ अगले सभी टर्म से और एन प्लस वन सी टू चलते रहो चलते रहो चलते रहो अब माइनस एट माइनस नाइन बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर ये थोड़ी सी आपको मैंने दिखाई है भारत और चीन की सीमा चलिए ये अलग उससे हैं चलिए वन प्लस एट का मल्टीप्लाई एट एन प्लस वन वन नहीं होगा एट होगा एट वन जाए एट प्लस एट स्क्वायर क्लियर कि नॉट क्लियर और ये बेटा ये पूरा का पूरा एक इंटीजर प्रोड्यूस होगा कि नहीं प्रोड्यूस होगा लेट अस सपोज दैट इन इंटीजर एज एम माइनस ए टेन माइनस नाइन क्लियर कि नॉट क्लियर चलो अटैक करते हैं ए टेन से ए टेन क्या हो जाएगा कैंसिल ये आठ और एक नौ हो जाएगा और नौ से नौ भी क्या हो जाएगा कैंसिल दैट इज इक्वल्स टू एट स्क्वायर इंटू सम इंटीजर एम एट स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटी फोर का मल्टीपल ये सो नो हैं प्रूफ नोट कर लीजिए भाई हाँ क्या बोल रहे हैं एट स्क्वायर को सिक्सटी फोर लिख दिया ना आपने और एम को एम रख दिया सो दैट इज द मल्टीपल ऑफ सिक्सटी फोर उसकी छोड़ो आप हमारी बात करो हमने आपको पिछले तीन बार से यही मेथड बताया है ठीक है ना हाँ ठीक है ना ठीक है ठीक है अब अभी तो बता दिया ना मैंने चलो ठीक है इसको नोट कर लो वो, वो मैं 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 देखता हूँ उसको अगर कुछ नया है उसमें मेरे सीखने लायक तो ठीक है नहीं तो ये मेथड तो अपन ने पहले ही कराई है इसको नोट कर लीजिए चलिए बच्चों तो अगला सवाल आपके सामने है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करिए देखिए क्या बन रहा है अगर ये x है तो ये y है x प्लस वाई की पावर फोर और ये x माइनस वाई की पावर फोर है आप इसको a प्लस बी भी ले सकते हैं बट a ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए यहाँ पे मैं x प्लस वाई की पावर फोर तो यदि मैं इस टर्म को x सपोज़ कर लूँ और इसको y सपोज़ कर लूँ और इसको x और इसको y मान भी सकता हूँ बोलो ठीक है तो x आपने क्या मान लिया ए स्क्वायर और y आपने ले लिया अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस वन ठीक है बेटा तो ये जो पहली स्ट्रक्चर है ये पहली स्ट्रक्चर बन जाएगी x प्लस वाई की पावर फोर और दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी x माइनस वाई की पावर फोर बनेगी कि नहीं बनेगी अब हम इंडिपेंडेंटली x प्लस वाई की पावर फोर निकाल लेते हैं तो x प्लस वाई की पावर फोर क्या बनेगा बेटा फोर सी ज़ीरो एक्स की पावर फोर प्लस फोर सी वन एक्स की पावर थ्री वाई की पावर वन प्लस फोर सी टू एक्स की पावर टू वाई की पावर टू प्लस फोर सी थ्री x की पावर वन y की पावर थ्री प्लस फोर सी फोर वाई की पावर फोर बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा चलिए अगला जो दिया गया है एक्सप्रेशन वो x माइनस वाई की पावर फोर है बहुत केयरफुली रखिएगा देखिएगा देखिए तो क्या हो जाएगा जिनमें y की पावर ऑड आ रही है वो माइनस हो जाएंगे हो जाएंगे कि नहीं होंगे तो ये फोर सी ज़ीरो एक्स की पावर फोर ये माइनस फोर सी वन एक्स क्यू वाई प्लस फोर सी टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर सी थ्री एक्स वाई की पावर थ्री प्लस फोर सी फोर वाई की पावर फोर ठीक है बेटा अब ध्यान से देखिए बीच में क्या इन्वॉल्व है प्लस मतलब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा तो हम बेटा इसको ऐड कर देते हैं ओके हाँ प्लस से साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे नहीं होंगे तो बेटा एक्स प्लस वाई की पावर फोर प्लस एक्स माइनस वाई की पावर फोर क्या बनेगा देखिए बेटा ये एड हो जाएगा तो टू टाइम्स अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा बोलिए नो भाई नेगेटिव है ना तो नेगेटिव के कैंसिल हो जाएंगे बट पॉजिटिव वाले दो गुने हो जाएंगे तो फोर सी ज़ीरो एक्स की पावर फोर राइट प्लस फोर सी टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्लियर है और एंड लास्ट फोर सी फोर वाई की पावर फोर डन कोई प्रॉब्लम चलिए तो ये सारे टर्म हमारे पास आ चुके हैं ओके अब हमें वैल्यू रखनी है एक्स और वाई की ज़्यादा हो तो आप इसको और सॉल्व कर लीजिए तो वो जो दिक्कत है वो फिनिश हो जाएगी टू टाइम्स फोर सी ज़ीरो कितना होता है वन ही होता है नो एन सी इक्वल टू वन तो यहाँ पे केवल एक्स की पावर फोर बचेगा प्लस फोर सी टू फोर सी टू यहाँ निकाल लेता हूँ ऊपर से दो टर्म पीछे और नीचे से भी दो टर्म पीछे फोर इंटू थ्री टू इंटू वन तो कितना हो जाएगा टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स ठीक है सो इट विल बी सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड फोर सी फोर अगेन एन सी एन वन होता है सो so ये हो जाएगा वाई की पावर फोर टन तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू एक्स कितना था ए स्क्वायर और वाई था अंडर उड ए स्क्वायर माइनस वन तो टू एक्स की जगह ए स्क्वायर की पावर फोर प्लस सिक्स ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्लियर और वाई है अंडर उड ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है बेटा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन की पावर फोर क्लियर ना तो टू ए की पावर फोर टू जट ये एट हो जाएगा क्लियर प्लस सिक्स ए की पावर फोर और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वन ओके और प्लस देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस वन का रूट है का होल पावर फोर है तो रूट मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस वन रूट का मतलब पावर वन बाई टू और पावर फोर तो टू पावर बचेगी समझ में आया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डन चलिए इसको ओपन कर दीजिए ज़्यादा तो ए की पावर एट प्लस सिक्स ए की पावर सिक्स माइनस सिक्स ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा शोर ए की पावर फोर माइनस टू ए, ए स्क्वायर प्लस, प्लस वन प्लस वन ठीक है चलिए इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए टू ए की पावर एट प्लस सिक्स ए की पावर सिक्स और ये सिक्स टाइम है और ये प्लस वन टाइम है तो माइनस फाइव ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस का वन यही आंसर है बेटा नोट कर लें चलिए करते जाइए नोट्स और स्टार्ट से एंड तक बताइए कहीं दिक्कत हो तो एक को एक्स मान लिया एक को वाई मान लिया ठीक है चलिए तो आप लोग इसका देख सकते हैं आंसर टू ए की पावर एट प्लस सिक्स ए की पावर सिक्स माइनस फाइव ए की पावर फोर माइनस टू स्क्वायर प्लस वन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये रहा है इसका आंसर ये देख लीजिए टू ए की पावर एट प्लस सिक्स ए की पावर सिक्स माइनस फाइव ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन बिल्कुल यही हमने सॉल्व किया है डन बेटा चलिए तो दोनों पार्टिस के हो चुके हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू के फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल function चलिए बताइए इसका डोमेन बना कि नहीं बना ओके okay, डोमेन बन गया है रेंज नहीं बना है तो आगे क्वेश्चन के बढ़ने के पहले एक लाइन में आपको बोलूंगा कि रेंज की मंजिल डोमेन को होके जाती है मतलब कई बार क्वेश्चंस में आ, हमको रेंज निकालने के लिए डोमेन का पता होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू स्टार्ट करते हैं ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन का कह रहा है कि डोमेन और देखिए बेटा सबसे पहले फंक्शन का नाम वाई ले लीजिए बोलते हैं वाई इक्वल टू अंडरूड एक्स स्क्वायर माइनस वन क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा अब यू you नो know कि डिनोमिनेटर है तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वन अपॉइंट जीरो इन्फानेट आ जाएगा दैट इज नॉट रियल और रूट के अंदर बैठा है तो निगेटिव भी नहीं हो सकता मतलब ये रूट के अंदर जो चीज़ है वो क्या होगी पॉजिटिव होगी और जीरो के इक्वल नहीं होगी क्लियर कि नॉट क्लियर मतलब डोमेन के लिए तो लिखेंगे हम यहाँ पे टू डिफाइंड टू बी अ डिफाइंड वैल्यू ऑफ वाई टू बी अ डिफाइंड वैल्यू ऑफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो बोलो ये सोनो अगर रूट ना लगा होता केवल क्वेश्चन में वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो मैं ग्रेटर देन जीरो इक्वल इक्वल टू जीरो खैर कभी हो ही नहीं सकता है वहाँ पे मैं लिखता एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो अगर केवल डिनोमिनेटर में होता तो रूट ना होता बट अभी मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को नेगेटिव नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव भी इमेजनरी हो जाएगा बोले यस की नो बेटा रूट के अंदर है तब लोगे अगर रूट के अंदर ना होता तो वना ये लिखा है नॉट इक्वल टू जीरो रूट के अंदर ना होता तो नीचे की अंदर जो इसके अंदर बैठा हुआ है जो फंक्शन है वो क्या होता नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता ना जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री ठीक है एक मिनट बेटा मैं कुछ और बोल रहा हूँ आप कुछ और समझ रहे हो दो मिनट पहले सुनो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ यदि कोई क्वेश्चन होता वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री बोलो क्लियर अब ये रूट के अंदर नहीं है बोले सोनू तो वाई के डिफाइंड होने के लिए ये क्या है नॉन ज़ीरो होना चाहिए क्या होना चाहिए तो एक्स माइनस थ्री शुड नॉट इक्वल टू जीरो तो x शुड नॉट इक्वल टू थ्री तो डोमेन जो बन जाती वो क्या बन जाती R माइनस आर माइनस थ्री समझ में आया तो R माइनस थ्री डोमेन बन जाती डिफाइन होने के लिए क्लियर के नॉट क्लियर बट yes. फिलहाल ये रूट के अंदर बैठा हुआ है तो रूट के अंदर की चीज को आप जीरो से छोटा नहीं ले सकते हो केवल जीरो से बड़ा ले सकते हो समझ गए सो डिफाइन वैल्यू ऑफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर दैन जीरो सुनो तो एक्स greater than देन Yes ये no? So, yes no? x square greater than one. ठीक है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन का मतलब आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन का स्क्वायर लिख सकते हो कि लिख सकते हो नो no, बेटा जो तरीका कह रहे हो वो सही बिल्कुल गलत है आप ये इन में रूट नहीं ले सकते हो कि इन में रूट लेकर के उधर चला जाए बेटा मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे या तो मेथड से कर लो या ट्रिक से कर लो ट्रिक ये होती है मैंने आपको सिखाई है कि इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस ए होगा और यूनियन ए टू इनफिनिटी क्लियर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होने पर क्लियर की नॉट क्लियर हाँ तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन है वन को लिखा जा सकता है वन का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन स्क्वायर मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन सॉरी बेटा ये ए नहीं यहां आएगा यहाँ वन आएगा माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है लेके नहीं कर सकते हो बिल्कुल नहीं इक्वालिटी होती तो अंडर रूट लेके कर सकते थे ये इन इक्वालिटी है, तो है एक्स, एक्स one, हाँ बिल्कुल सही ना यही तो लिखा हुआ है ये यही तो लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन वन और एंड आएगा एंड एक्स इज लेसर देन माइनस वन बिल्कुल सही है भाई लेसर देन माइनस वन मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन और ग्रेटर देन वन का मतलब वन से लेके इन्फिनिटी क्लियर की नॉट क्लियर हाँ तो ये लिख सकते हैं तो ये आ गई इसकी डोमेन ठीक है अगर आप इसको रियल लाइन में बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बना सकते हैं कि आप यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है इधर माइनस इन्फिनिटी इधर पे माइनस वन यहाँ पे प्लस वन तो इंक्लूडेड नहीं है इक्वलिटी नहीं लगी है तो इसको बबल बनाएंगे क्या बनाएंगे बबल और वन टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन समझ में आ गया तो इसे ऐसा लिख सकते हैं इस तरीके से ही बना सकते हैं इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनी ठीक है बेटा कोई दिक्कत ये हो गया डोमेन ठीक है अब एक चीज ये फार्मूला आप याद कर लो इनिक्वालिटी के प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ वो आप याद कर लें कल भी मैंने लिखाया था याद है कुछ कल कौन सा वाला पूछ रहे हैं आप मैं याद दिला देता हूँ मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए याद आया तो मोड ऑफ एक्सेस ग्रेटर देन ए तो मैंने बताया था माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी क्लियर हाँ ठीक है तो जैसे यहाँ पर और कल लिखाया था मैंने मोड ऑफ एक्सेस लेस देन ए इसका मतलब एक्सेस बिटवीन एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए क्लियर है अब ऐसे ही ट्रिक याद रख लें एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर ठीक है बेटा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर तो क्या बनेगा बेटा एक्सेस बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी क्लियर बोलो हाँ मैग्नीट्यूड वाला सीन हो गया बिल्कुल सही ठीक है क्यों हो गया मैग्नीट्यूड वाला सीन अब एक चीज़ याद रखना एक चीज़ याद रखना कि बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो बेटा मॉड एक्स होता है आपकी पढ़ाई में क्लियर क्यों क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होगा वो प्लस माइनस एक्स आएगा हाँ या ना और प्लस माइनस एक्स मे बी रिटर्न एस मॉड एक्स हाँ या ना तो यदि तुम इसी चीज का अंडर रूट ले लोगे तो ये बन जाएगा ऊपर वाला स्क्वायर रूट ले लोगे अगर तो तो छोड़ो हमको केवल इस चीज़ से मतलब है ये एनिक्वालिटी याद होगी आपको अगली एनिक्वलिटी एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए क्लियर है हाँ यहाँ पर जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्या था हो रहा था जो हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे उसमें ये था एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो है ना तो एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन वन इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन का स्क्वायर हाँ या ना बेटा तो कौन सा रूल लग जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर का लगेगा कि नहीं लगेगा क्या होगा इसका एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनीटी क्लियर कि नॉट क्लियर चलो यदि मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन फोर का क्या बनेगा बताओ वेरी गुड तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू का स्क्वायर लिख सकते हो तो ये बनेगा माइनस इन्फिनी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी सही है चलिए इसको नोट कर लीजिए Thank <laughs> you. डन ओके okay, तो यहाँ भी हो गया लिख लिया था कि नहीं लिखा लिखिए आराम से चलिए तो देखिए हम बात अधूरे पे थे हमने डोमेन निकाल लिया है बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है हमको रेंज निकालना है निकालना कि नहीं निकालना शोर तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास वाई इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ये है क्वेश्चन हमारे पास बोलिए क्लियर की नॉट क्लियर ओके अब देखिए यहाँ से ये बात जाहिर हो रही है कि वन पॉजिटिव है जो रूट के अंदर से आएगा वो भी पॉजिटिव होगा बोलो यस yes की नो no? ये भी पॉजिटिव है और रूट के सामने कोई निशान नहीं है मतलब प्लस में है मतलब ये लॉजिक हम क्लियर हो चुका है कि वाई ग्रेटर देन जीरो आ रहा है बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा ये चीज़ क्लियर हो चुकी अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ से आप इसको ऊपर ले जाइए या इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं वाई इक्वल टू तो यहाँ से इसको ऊपर ले जाइए एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट इक्वल टू वन अपॉन वाई क्लियर की नॉट क्लियर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या बन जाएगा शोर स्क्वायर बनेगा बेटा स्क्वायर करने पर इसका होल स्क्वायर लगेगा और वन अपॉन वाई स्क्वायर ठीक है स्क्वायर से रूट हट जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन वाई स्क्वायर ठीक है शोर ठीक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन डन सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन हमारे पास ही आ चुका है तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल्शियम ले लेंगे तो क्या बचेगा शोर वन प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बचेगा डन अब रूट ले लीजिए यहाँ से तो x इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर वन प्लस वाई बाई वाई कभी नहीं होगा श्योर अंडर रूट वन प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं है ध्यान से देखो कि वन प्लस वाई बच जाए तो वन को स्क्वायर ले सकते हो तो वन प्लस वाई स्क्वायर का रूट वन प्लस वाई थोड़ा ना हो सकता है रूट अगर होल स्क्वायर होता तो कैंसिल होता ना अलग अलग है ना समझ में आया कि नहीं आया चलिए तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा अंडर रूट वन हाँ नीचे वाला हट जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा वाई आएगा क्लियर हाँ अब देखिए यहाँ पे वाई आ चुका है आप जानते हैं x के डिफाइंड होने के लिए ये नीचे की चीज़ कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकती ठीक है ना नीचे की चीज़ कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है तो लिखेंगे फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ x, y शुड नेवर बी इक्वल टू और नो वाई की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती हो सकती कि नहीं हो सकती नहीं हो सकती है दूसरी चीज आपको पता है कि वाई क्या निकल रहा था इसका स्क्वायर रूट निकल रहा था हाँ ना जो कि ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था स्क्वायर रूट हमेशा क्या आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था आ रहा था कि नहीं रहा था तो लिखेंगे यहाँ पे y शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज़ ग्रेटर देन जीरो बोलो हाँ ना मतलब देखा जाए तो y की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है मतलब ज़ीरो पे बबल लगा है बट जीरो से बड़ी हो सकती है बोलिए ये और नो तो बोलो क्या बनेगा इंटरवल होपलेस माइनस इनफिनिटी ज़ीरो कैसे बनेगा सो गया फिर से जीरो टू इनफिनिटी बनेगा क्या बनेगा ज़ीरो टू इन्फिनी समझ में आया हाँ ठीक है तो y की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है और दूसरी चीज y की वैल्यू जो है जीरो जीरो नहीं हो सकती है है ना जीरो और जीरो से बड़ी रखनी है जीरो से बड़ी रखनी है तो आंसर आएगा ज़ीरो टू तो इन्फिनी क्लियर की नोट क्लियर चलिए अच्छे से नोट करिए कोई डाउट हो तो फिर से पूछिए इसमें ओके ये डोमेन था डोमेन हो गया था तो क्या करना पड़ता है रेंज वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको दिया है पहले वाई एक्स के फंक्शन में होता है और रेंज के लिए एक्स वाई के फंक्शन में बदलते हैं डोमेन में लिए डोमेन के लिए हम क्या लिखते हैं फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ वाई और रेंज के लिए लिखते हैं फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्लियर ना चलिए नोट कर लीजिए तो बच्चों देखिए मेन डोमेन और रेंज निकालने के लिए कंसेप्ट क्या है मैं लिख देता हूँ आपको आप यदि कभी भी भूलें आप तो इस कंसेप्ट को देख लें डोमेन में क्या करना पड़ता है और रेंज में क्या करना पड़ता है तो पहले निकालना डोमेन ही है तो डोमेन का कंसेप्ट क्या है लिखिए एक्सप्रेस वाई इन द टर्म ऑफ एक्स मतलब y को फंक्शन ऑफ x के रूप में लिखें ठीक ना चेक वेयर y बिकम्स अनडिफाइंड और उस जगह को देखें कि जहां y अनडिफाइंड हो रहा है समझ गए और उसको क्या कर दें रिमूव कर दें रिमूव दैट समझ में आया कि नहीं आया चलिए अगला रेंज के लिए क्या करेंगे शोर यहां पे वाई को एक्स के फॉर्म में लिख रहे थे लिख रहे थे और यहां पे क्या लिखेंगे बिल्कुल सही एक्सप्रेस एक्स इन द टर्म ऑफ वाई In the term of y, okay, means x equals to function of y. Done? Check, or is it what have to do? Check where x becomes undefined and remove that. y समझ में आए ये देखेंगे कि x कहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है अनडिफाइंड समझ गया ना और उस पॉइंट के y को रिमूव कर दोगे डोमेन में किसको रिमूव कर रहे थे x के उस पॉइंट को रिमूव कर रहे थे और यहाँ पे y के उन पॉइंट को रिमूव करेंगे क्लियर की नॉट क्लियर चलिए एक और बात बताता हूँ शोर जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है अगर शोर कहीं पर लिखा है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री ठीक है बेटा तो आपको ये जो चीज है रूट एक्स माइनस थ्री ये आपको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कंसीडर करनी है समझ में आ गया बट यदि आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू रूट क्योंकि आप लगा रहे हैं तो आपको खुद एक प्लस लगाना पड़ेगा और खुद एक माइनस लगाना पड़ेगा ठीक है ना बट यदि क्वेश्चन में सीधे ये दे रखा है इसका मतलब ये क्वेश्चन y की पॉजिटिव वैल्यू मांग रहा है मतलब y ग्रेटर देन जीरो समझ में आया चलिए एक क्वेश्चन कर लिया जाए इसके जैसे ठीक है एक और क्वेश्चन करा देता हूँ डोमेन रेंज का जिससे ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है ठीक है भैया इसका डोमेन रेंज फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को वाई मानेंगे एफ एक्स को लेट वाई इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस थ्री अब देखो शोर बाबू क्वेश्चन ने खुद रूट लगा करके दिया मतलब ऊपर वाला ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है समझ में आ गया हाँ अगर क्वेश्चन खुद प्लस माइनस देता तो बात अलग थी बट इसने खुद कुछ नहीं दिया मतलब प्लस दिया है मतलब बेटा एक चीज़ जान लो कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव मतलब वाई का आंसर हमेशा क्या लोगे पॉजिटिव हाँ ये बाद में काम में आएगा कि वाई पॉजिटिव होगा चलिए अब लिखेंगे तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं अगर नेगेटिव अगर अकेले नेगेटिव होता तो नेगेटिव लेते अभी इसमें क्या दिक्कत है बताओ चलिए अब डोमेन फाइंड करते हैं तो लिखेंगे फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ वाई वाई की डिफाइंड वैल्यू के लिए बेटा ये दिक्कत करेगा बोलो हाँ ना तो एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो सोनो मतलब ये लेसर नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि लेसर मतलब नेगेटिव और नेगेटिव अनडिफाइंड होता है होता कि नहीं होता बोलो हाँ तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वन अपॉन में बैठा है तो अंडर रूट जीरो नहीं होना चाहिए मतलब एक ही चीज़ है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए समझ में आया कि नहीं आया तो एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो तो एक्स इज ग्रेटर देन थ्री क्लियर कि नॉट क्लियर तो रियल लाइन में यदि देखना चाहो तो ये थ्री है और थ्री से बड़े की बात हो रही है तो इंटरवल क्या बन गया ओपन इंटरवल थ्री तो इन्फिनिटी ये है बेटा इसकी डोमेन क्या ही है इसकी समझ में आया नहीं है चलिए अब रेंज की बात करते हैं तो ये हो गई डोमेन अब रेंज के लिए फिर से वही हेडिंग डालेंगे रेंज के लिए क्वेश्चन हमारे पास दिया है y इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस थ्री बोलिए हाँ है ना ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप वाई ग्रेटर देन जीरो समझ में आए मतलब इंटरवल के हिसाब से केवल वही आंसर स्वीकार होगा जो जीरो से बड़ा है यस की नो ठीक है अच्छी बात है केवल जीरो से बड़े आंसर ही स्वीकार किए जाएंगे किसके वाई के समझ में आए श्योर डोमेन में श्योर ये जो चलता है एक्स का चलता है रेंज में हमको वाई की वैल्यू निकालनी होती तो ये हम वाई की वैल्यू की बात करते हैं ठीक है चलिए इसको कैसे करेंगे रूट के ऊपर ले आइए क्योंकि मैंने बताया था कन्वर्ट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई सो एक्स माइनस थ्री का अंडर रूट इक्वल टू वाई बोलो क्लियर की नॉट क्लियर स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन अपॉन वाई का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है बेटा एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्री ठीक है बेटा तो एक्स इक्वल टू वन प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्लियर की नॉट क्लियर हाँ अब देखिए बेटा फॉर डिफाइन वैल्यू ऑफ एक्स बेटा देखो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए बोलो ऐसा नो तो वाई स्क्वायर शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो बोले नो सो वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो क्लियर की नॉट क्लियर और एंड दे रखा है कि वाई ग्रेटर देन जीरो बोलो हाँ ना तो क्वेश्चन में दो दो इनिक्वलिटी आपको दे रखी है कि वाई जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए बोलो हाँ और वाई ग्रेटर होना चाहिए तो आंसर तो यही वाला हुआ ना हाँ तो आंसर क्या होगा वाई बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट क्लियर की नॉट क्लियर अच्छे से नोट कर लो बेटा इसको हैं आवाज नहीं ओके दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर 33 के प्रूफ के दो पार्ट हैं ये पार्ट आपके फर्स्ट टर्म में आया था शोर यदि आपको याद हुई क्वेश्चन तो ठीक है और ऊपर वाला बताइए दोनों आपसे बने कि नहीं बने कोशिश की आपने कि नहीं की आधा किया मतलब नहीं बना अच्छा अच्छा फर्स्ट पार्ट आपने आधा किया सेकंड कितना किया नहीं किया चलिए तो मैं दोनों पार्ट आपको करवाता हूँ ठीक है तो हमको प्रूफ करना है बच्चों कि टेन फोर एक्स इक्वल टू फोर टेन एक्स ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर एक्स अगर केवल टेन टू एक्स का फॉर्मूला आपसे बनता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा केवल आपको मेथड लगानी है और कुछ भी नहीं है चलें शोर देखिए तो हमें किसको को यहाँ पे लेकर के आना है टेन फोर एक्स को तो मैंने एल एच एस स्टार्ट कर दिया यहाँ पर एल एच एस से वी हैव लेफ़्टाइड इक्वल्स टू टेन ऑफ फोर एक्स ठीक है बेटा क्या मैं टेन फोर एक्स को टेन टू टाइम्स ऑफ टू एक्स लिख सकता हूँ अब मैं टू एक्स को एक पर्टिकुलर एंगल सपोज वाई ले लूँ तो ये क्या टेन टू वाई के जैसे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा थोड़े समय के लिए मैंने 2x को y सपोज कर लिया है ओके जिससे कि मैं फार्मूला लगा सकूं अब हमारे पास tan 2 थीटा का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है शोर क्या होता है वो फॉर्मूला बेटा यहां पे थीटा में है तो टू टेन थीटा अपॉन वेरी गुड वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो टेन टू वाई कितना हो जाएगा शोर वेरी गुड टू टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर वाई आप यहाँ तक लिखे हैं तो आपको जो है कोई मार्क्स हाफ मार्क्स मिल जाएंगे अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं वाई की वैल्यू वापस रखने का वक्त आ चुका है वाई की वैल्यू 2x है तो 210 टेन वाई की जगह पे 2x, एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर टू क्लियर शो अब देखिए फिर से अगेन टू और टेन टू एक्स की वैल्यू टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये हो गया ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट है वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स और आप सब जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो टेन थीटा का होल स्क्वायर होता है होता है कि नहीं होता तो टेन स्क्वायर टू एक्स मतलब टेन टू एक्स का होल स्क्वायर और टेन टू एक्स की वैल्यू टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्लियर की नॉट क्लियर ओके यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया चलिए इसको सॉल्व करते हैं टू इंटू टू फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्लियर की नॉट क्लियर होल डिवाइडेड बाय बाई होल डिवाइडेड बाय वन माइनस देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स बाई गलत बोले शोर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर पहले इंडिविजुअल होल स्क्वायर ओपन करोगे ना तब ना होगा बोलिए स्किनू हाँ क्या आइडेंटिटी लगेगी हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है बट उसके पहले हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा ये बेटा ये बनेगा फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्लियर डिवाइडेड बाई बेटा पूरे का एलसीएम आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्लियर और यहाँ पर पहुँच जाएगा ये वाला टर्म मींस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स क्लियर चलिए अब पलटा पल्टी खेलते हैं तो फोर टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय और ये ऊपर चला जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हाँ और नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्टोरी पावर टू माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स क्लियर की नॉट क्लियर शोर यहाँ पे नीचे एक पावर है ऊपर दो पावर है इसको ब्रैकेट में भी आप ले सकते हैं तो ये एक पावर से एक पावर क्या एक हो गई कैंसिल तो ऊपर बज गया फोर टेन एक्स मल्टीप्लाई बाई वेरी गुड और अब इसको हमको ओपन करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो क्या होगा अच्छे से बोला ए स्क्वायर इसको ओपन करो ना इसको वन माइनस हाँ श्योर यहीं पर आपको जीरो मिल जाते हैं है ना देखिए गलत बताया आपने तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी तो टू इंटू वन इंटू टेन स्क्वायर एक्स तो टू टेन स्क्वायर एक्स बनेगा क्लियर और प्लस नहीं तो बेटा आपको प्लस बोलना था वहाँ पे भी गलत बोले थे आप माइनस बोल रहे थे तो टेन की पावर फोर एक्स ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर में तो प्लस आएगा ना हाँ और माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स क्लियर की नॉट क्लियर चलिए फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे फोर टेन एक्स इन वन कितना हो जाएगा फोर टेन एक्स होगा फोर वन जा फोर सही बोल रहा है सही बोल रहा है सही बोल रहा है सही बोल रहा है। पहले क्यों भी होगा ऑब्वियसली अपॉन ठीक है ना देखो ये माइनस टू है ये माइनस फोर है कितना हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही तो टेन की पावर फोर एक्स पहले लिख दूंगा और माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स और प्लस का वन यही प्रूव करना था क्लियर हाँ अब फोर टेन एक्स कॉमन ले लो एक्चुअली उन लोगों ने कॉमन में फोर ले लिया है फोर टेन एक्स कॉमन ले लिया है तो फोर टेन एक्स कॉमन ले लिया तो वन माइनस टेन की पावर स्क्वायर एक्स टू एक्स ठीक है क्योंकि एक टेन कॉमन लिया तो तीन है तो ए, दो बचेंगे अंदर या सोनू वन और यहाँ पे क्या जाएगा? यहां आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आप वन को आगे कर लो वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर एक्स बेटा जो आपको प्रूफ करना है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यही है आप देख सकते हैं सॉरी हाँ देख लीजिए फोर टेन एक्स ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर एक्स है कि नहीं है ये स्ट्रक्चर आ गया समझ में एनी प्रॉब्लम नोट कर लीजिए बच्चों टेन फोर एक्स को करना है टेन टू इंटू टू एक्स और टेन टू टू एक्स को टू एक्स को वाई ले लेना है कोई भी नहीं वेरी ठीक है श्योर क्लियर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ओके गाइस तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट हम में आ चुका है शोर ये हमने कराया भी था आपको कौन सा फार्मूला लगता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा तो आप जानते हैं जो आइडेंटिटी होती है वन प्लस कॉस थीटा टू थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा क्लियर तो वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है यही आइडेंटिटी लगती है आपको क्लियर तो यदि आप यहाँ पे वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा तो रिवर्स देखें आप तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू बनेगा कि नहीं बनेगा बस तो यही आइडेंटिटी याद रख करके इस क्वेश्चन को लगाना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू चलिए तो सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इस खूबसूरत से सवाल को क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री और ये अपना आर एच एस है तो फिलहाल आर एच एस से हमको मतलब नहीं है हमको मतलब केवल एल एच एस से है तो मैं यहाँ पर एल एच एस लिखना शुरू करता हूँ एल एच एस इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फाइव बाई थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फाइव बाई थ्री ठीक है बेटा ओके okay. अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है अभी अभी मैंने बताया आपको दिस इज वन प्लस कॉस एंगल का डबल टू एक्स बाई क्लियर इसी सिमिलरली ये बन जाएगा वन प्लस कॉस टू टाइम्स वन प्लस कॉस टू टाइम्स एक्स प्लस पाई बाई थ्री बाई टू और प्लस वन प्लस कॉस टू टाइम्स एक्स माइनस पाई बाई थ्री बाई टू होगा कि नहीं होगा बताइए तो पूरे का एल सी एम यहाँ पर टू आ जाएगा आ जाएगा ना और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स कहाँ से कॉमन आ जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स इसमें से कहाँ है सब में कॉमन वो एंगल के प्लस में है बेटा एंगल है बेटा कॉस के अंदर जो भी है एंगल होता है ओके और यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस टू का मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस टू पा बाई थ्री वन प्लस कॉस टू एक्स माइनस टू पा बाई थ्री वेरी गुड चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं तो वन प्लस वन प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू थ्री प्लस कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस टू पा बाई थ्री प्लस कॉस टू एक्स माइनस टू पा बाई थ्री ठीक है शोर होल डिवाइडेड बाय टू क्लियर सोर अगर इन दोनों को सुरक्षित रखा जाए कुछ भी ना किया जाए तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है सेकंड वाले में देखिए उस आइडेंटिटी का नाम है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला लग रहा कि नहीं लग रहा ध्यान से देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म के बन रहे हैं ये देखिए ये जो दिख रहा है पहला वाला रेड कलर में ये कॉस ए प्लस बी है और सेकेंड वाला कॉस ए माइनस बी है ये सोनो तो शोर मुझे बताइए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बिल्कुल गलत बताया शोर आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अच्छे से सोचिए वक्त लीजिए और प्लीज सही बताइए आपकी बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए वेरी गुड बिल्कुल सही टू कॉस ए कॉस बी याद रख लीजिए इस फॉर्मूले को टू कॉस ए कॉस बी होता है बच्चों फार्मूला कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का तो ये क्या हो जाएगा बच्चों थ्री प्लस कॉस टू एक्स को हम हाथ नहीं लगाएंगे और टू कॉस ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी हाँ तो कौस एक टू कॉस ए कॉस भी ए की जगह टू एक्स है बोलो ठीक है बेटा और बी की जगह टू पाई बाई थ्री है कॉस ऑफ टू पाए बाई थ्री ठीक है शोर डिवाइडेड बाई टू डन कॉस कॉसे कॉस टू कॉसे कॉस भी तो ए की जगह टू एक्स खेल रहा है और बी की जगह टू पा बाई थ्री खेल रहा है ठीक है ना तभी तो आपने आइडेंटिटी बताई जो लग गई क्लियर चलिए अब मेन क्या है आपको कॉस टू पा थ्री की वैल्यू पता होनी चाहिए अब कुछ बच्चे रेडियन में घबरा जाते हैं तो कॉस टू पा थ्री यानी कि कॉस वन ट्वेंटी डिग्री कॉस वन ट्वेंटी डिग्री की वैल्यू कितनी होगी सेकेंड क्वार्टन में मतलब नेगेटिव है और कॉस वन ट्वेंटी को लिख सकते हो वन एट्टी माइनस सिक्सटी वन एट्टी मतलब नो चेंज सेकेंड क्वारन मतलब नेगेटिव माइनस कॉस सिक्सटी मतलब माइनस वन बाई टू जी हाँ तो कॉस की वैल्यू रख दीजिए तो थ्री प्लस कॉस टू एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स और कॉस टू पर बाई थ्री की वैल्यू माइनस वन बाई टू होल डिवाइडेड बाय टू ठीक है छोर टू से टू मल्टीप्लाई में है कैंसिल हो जाएगा ये सोनो एंड पॉजिटिव इनटू नेगेटिव वन बिकम नेगेटिव थ्री प्लस cos 2x and एंड हियर इट विल बी माइनस 2x upon 2 अपॉन cos माइनस a plus cos 2x प्लस finally the result कैंसिल फाइनली द रिजल्ट इज or no hence यस check नो answer yes चेक द आंसर यस हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं तो कॉस्ट 90 प्लस 30 लिख लीजिए और 90 में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे वर्टिकल लाइन को तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा तो कॉस 120 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 प्लस थर्टी इक्वल टू साइन थर्टी अब सेकेंड क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसको देख करके जो क्वेश्चन में आया था नेगेटिव निगेटिव लगा दीजिए तो माइनस वन बाई टू डन समझ में आ गया चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए हाँ <laughs> ठीक है लिखो चलिए आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है क्वेश्चन क्या कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमिटिशंस बी अरेंज इफ लेटर स्टार्ट विद पी एंड विद एस तो श्योर पी को फिक्स कर दिया है और एस को फिक्स कर दिया है मतलब पी और एस अपनी जगह से नहीं हिल सकते इनको लॉक कर दिया बोलिए यसो नो मतलब हिलेंगे नहीं मतलब ये अपनी जगह से परमोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इनके बीच के सारे लेटर पार्टिसिपेट करेंगे क्लियर यसोनो तो बीच के लेटर काउंट कर लेता हूँ मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो दस लोग हैं और जगह भी दस हैं तो दस लोग दस जगह में कितने तरीके से परम्यूटेट करेंगे टेन पी टेन दैट इज कॉल फैक्टोरियल टेन नो बिकॉज एन पी एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन होता है होता कि नहीं होता सो टेन पी टेन इक्वल टू फैक्टोरियल टेन बट इसमें एक चीज होती ही कंडीशन अगर रिपीटेशन अलाउड होता है तो उतने ग्रुप्स को आपको माइनस करना पड़ता है ये yes नो no? yes. तो देखते हैं कि रिपीटेशन यहां पे है कुछ डिजिट रिपीट हो रही हैं देखते हैं आर टी आया है बेटा टी दो बार आया है देखिए आया कि नहीं आया तो फैक्टोरियल टू से डिवाइड करिए और कौन आया है और कोई नहीं है ओके सो करेक्ट आंसर कितना आएगा फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल टू इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से ना चलिए हाँ ठीक है नेक्स्ट है वोवेल आर ऑल टुगेदर ठीक है ना तो सेकंड केस पे आते हैं कि सारे वोवेल को हमको साथ में रखना है तो चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि वोवेल कितने हैं ई ए आई ओ यू तो टोटल हमारे पास बारह लेटर हैं जिसमें से पांच वोवेल हैं और सेवन कॉन्सोनेंट है बोलिए नो हाँ तो हमारे पास यहाँ पे पांच वोवेल हैं और उन पांचों वोवेल को हमको साथ में रखना है तो मैं क्या करता हूँ समझने के लिए पहले उन पांचों वोवेल को साथ में रख लो ए आई ओ यू इन पांचों को मैंने साथ में रख लिया रख लिया बेटा और रस्सी से बांध दिया तो ये एक बंडल बन गया पक्की बात टोटल बारह लेटर थे तो जब सेवन लेटर ये आ चुके हैं तो अगले बॉक्स के अंदर कितने लेटर होंगे सॉरी ये फाइव लेटर हो चुके हैं मैंने सेवन लिख दिया ये फाइव लेटर हैं तो सेवन लेटर होंगे इसके अंदर के नहीं होंगे पक्की बात कि नहीं है अब चलिए हमको टोटल परमोटेशन बनाना है तो ये पांच अपने अंदर फैक्टोरियल फ़ाइव तरीके से घूम फिर सकते कि नहीं घूम फिर सकते और ये सात अपने अंदर जो है सात अपने अंदर जो है फैक्टोरियल सेवन तरीके से घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते बट देखिए बेटा एक चीज हमने ये सात ले लिया और एक बॉक्स ये भी है है कि नहीं है तो टोटल एट लेटर हो गए क्योंकि इसको मैंने एक माना है यस और नो तो सेवन लेटर इसके और एक लेटर इसका तो सेवन प्लस वन एट हो गए कि नहीं हो गए और एट लेटर्स फैक्टोरियल एट तरीके से घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे हम्म तो फैक्टोरियल एट क्लियर डिवाइडेड बाई यहाँ पर बेटा जो है परम्यूटेशंस के कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं आप ध्यान से देखिए उन कॉन्सोनेंट में दो लेटर रिपीट हो रहे हैं टी ये yes सुनो no? तो उसका रिपीटिंग इफेक्ट कैंसिल करने के लिए फैक्टोरियल टू से डिवाइड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ याद रखिएगा सात लेटर इसके और एक लेटर इसका भी होगा इसको मर्च करके मानेंगे तो आठ फैक्टोरियल आएगा क्लियर कि नॉट क्लियर हाँ क्योंकि इसका भी करना पड़ेगा ना हाँ ये भी तो कहीं भी जा सकता है तो इसलिए फैक्टोरियल एट होगा सेवन मत कर दीजिएगा फैक्टोरियल नहीं तो इसको छूट जाएगा नहीं तो ये हाँ तो इसका आंसर फैक्टोरियल फ़ाइव फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एट अपॉन टू और फर्स्ट का आंसर टेन बाई टू लेट्स चेक चलिए देखिए फर्स्ट का आंसर फैक्टोरियल टेन बाई फैक्टोरियल टू बिल्कुल सही समझ में आ रहा शोर सेकेंड का आंसर फैक्टोरियल एट इंटू फैक्टोरियल फाइव अपॉन फैक्टोरियल टू बिल्कुल सही क्लियर है थर्ड yes. करते हैं थर्ड में क्या पूछा जा रहा है देयर आर ऑलवेज फोर लेटर बिटवीन पी एंड एस ओ हो हो पी और एस के बीच में केवल चार लेटर लेने हैं पी और एस के बीच में हमको केवल चार लेटर लेने हैं मतलब पी को लॉक करिए एस को लॉक करिए और उसके बीच में कोई भी चार लेटर भर दीजिए देखिए कैसे करेंगे इसको कह रहा है देयर इज़ ऑलवेज फोर लेटर बिटवीन पी एंड एस तो यहाँ बेटा हमने पी को लॉक कर दिया और एस को लॉक कर दिया बोलो ये सोनो अब ये तो पहले बोला नहीं है कि पी पहले आएगा कि एस पहले आएगा या हो सकता है एस पहले आ जाए और पी बाद में आ जाए बोलिए सोनू हाँ तो मतलब टोटल कितने केस बन गए इस चीज के दो केस तो दो का पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया बोलिए सोनू अब इसके बीच में चार लेटर रखने हैं एक दो तीन चार देयर इज ऑलवेज फोर लेटर बिटवीन पी एंड एस क्लियर है बेटा कि नहीं है ठीक है तो हमें यहाँ पर चार लेटर बीच में इंसर्ट करने हैं तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि पी और S के बीच में चार लेटर होने चाहिए तो पी को लॉक कर दीजिए और S को लॉक कर दीजिए तो या S इधर आएगा पी इधर आएगा तो दो चॉइस हो गई इसके लिए अब टोटल लेटर पी और S को छोड़ करके कितने बच रहे हैं दस बच रहे हैं क्योंकि तो टोटल ट्वेल्व लेटर थे अब दस में T दो बार रिपीट हो रहा है तो उसको भी एक मानोगे तो कितने हो गए नाइन लेटर तो नाइन लेटर में चार सेलेक्ट करने हैं आपको और उनको इधर उधर करना है तो कितने वेज होंगे नाइन पी फोर तो करेक्ट आंसर टू मल्टीप्लाइड बाई नाइन पी फोर डन नाइनटी हाँ नाइन पी फोर था ना नौ में सेलेक्ट फोर करने हैं ना फाइव क्यों नौ में से चार को चार को परमोटेट कराना है ना फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता ना फॉर्मूला क्लियर भाई एन पी, पी आर का फॉर्मूला यही तो होता है ना एन माइनस आर डन कोई दिक्कत चलिए चलिए बच्चों तो 34 का पार्ट टू और वाला पार्ट इसको मैं करता हूँ वॉट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग देखो भैया चूज करना है सेलेक्ट करना है मतलब परमोटेशन नहीं है ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है समझ में आ गया चूज फॉर सी ये सी लगा ठीक ना फोर कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 टू प्लेइंग कार्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन तो हर बार चार पत्ते निकालने हैं पहला है फोर कार्ड ऑफ वन ऑफ द सेम स्विट मतलब चारों पत्ते जो हैं एक ही सुट के हों अब स्विट क्या होते हैं आप जानते हैं भाई जा, ना ना छब्बीस छब्बीस के सूट नहीं होते हैं थर्टीन थर्टीन के स्विट होते हैं तेरह तेरह के समझ गए ना या तो इस पेड के ले लेंगे या क्लब के ले लेंगे या तो डायमंड के ले लेंगे ठीक है ना और या तो फिर हार्ट के समझ गए तो चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं देखिए फर्स्ट का आंसर या तो पहले सूट से चारों निकाल लो, काम पूरा काम पूरा हो गया तो प्लस लगा दो या तो दूसरे सूट से निकाल दो चारों या तो तीसरे सूट से निकाल दो या चौथे सूट से समझ में आ गया कि नहीं आया तो थर्टीन सी फोर थर्टीन सी फोर थर्टीन सी फोर थर्टीन सी फोर, थर्टीन सी फोर. क्लियर यू कैन राइट फोर मल्टीप्लाइड बाई थर्टीन सी फोर सॉल्व कर लीजिए फोर मल्टीप्लाई बाई एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर मतलब थर्टीन में से फोर गए नाइन क्लियर बन जाएगा ठीक है वट एवर जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिएगा बन जाएगा ना चलिए पहला हो गया सीन दूसरा फोर कार्ड बिलोंगिंग टू फोर डिफरेंट स्वीट वाह भाई मतलब चारों पत्ते अलग अलग स्वीट से होने चाहिए तो मतलब काम टुकड़े में होगा तो पहला पत्ता एक से दूसरा पत्ता दूसरे सुट से तीसरा पत्ता तीसरे से मतलब एक एक एक, -एक सब में निकालेंगे क्लियर समझ में आया कि नहीं आया सो थर्टीन इंटू थर्टीन इंटू थर्टीन इंटू थर्टीन आंसर थर्टीन की पावर फोर बनेगा बेटा फोर कार्ड आर फ्रॉम डिफरेंट स्वीट ठीक है बेटा अगला है आर फेस कार्ड तो भैया टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बारह बारह होते हैं ना गुलाम बेगम बादशाह किंग क्वीन जैक हर सूट में तीन होते हैं तो टोटल बारह होते हैं ये सौ नो तो टोटल बारह होते हैं और बारह में हमको कितने सेलेक्ट करने हैं चार तो तीसरे का आंसर है ट्वेल्व टोटल फेस का ट्वेल्व है ट्वेल्व सी फोर हाँ चार सेलेक्ट करने ना हाँ अरे लिखा लिखाइए क्वेश्चन में शुरू में हाँ बिल्कुल देखिए सर चूजिंग फोर कार्ड्स ओके तो आर फेस कार्ड तो फेस कार्ड टोटल ट्वेल्व होते हैं तो so ट्वेल्व में से फोर फेस कार्ड ट्वेल्व सी फोर ओके क्लियर बस इतना ही है ट्वेल्व सी फोर आप सॉल्व कर लीजिए ट्वेल्व सी फोर को ऊपर से चार कदम पीछे ट्वेल्व इंटू एलेवन इंटू टेन इंटू नाइन और नीचे फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन क्लियर चलिए चौथा करते हैं नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ क्या कह रहा है टू आर द रेड कार्ड एंड टू आर द ब्लैक कार्ड ओ हो 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 सो सिंपल ट्वेंटी सिक्स ई टू इंटू ट्वेंटी सिक्स टू क्योंकि ट्वेंटी सिक्स ब्लैक होते हैं ट्वेंटी सिक्स रेड होते हैं तो दो इससे सेलेक्ट कर लो दो इससे क्लियर की नॉट क्लियर लास्ट कार्ड आर ऑफ द सेम कलर मतलब चारों पत्ते लाल कलर के सॉरी सेम कलर के हों तो भैया दो कंडीशन बनेगी दो कंडीशन बनेगी ट्वेंटी सिक्स सी फोर पहले से ले लो या या यानी प्लस ट्वेंटी सिक्स सी फोर दूसरे से ले लो समझ में आ गया क्योंकि ऑप्शनल चॉइस है कंपलसरी नहीं है ये भी हो सकता है तो प्लस लगेगा बट यदि कंपलसरी होती जैसे यहाँ पे कंपलसरी थी कि दो पत्ते फिर दो पत्ते तो मल्टीप्लाई लगता क्लियर हो गया सो ट्वेंटी सिक्स फोर प्लस ट्वेंटी सिक्स ई फोर दिस इज़ द आंसर ओके चेक कर लेते हैं आंसर भाई यस yes. फर्स्ट का आंसर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्ड थर्टीन सी फोर प्लस थर्टीन सी फोर यही है बिल्कुल सही सॉल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट भी यही किया एंड ये बता बताया था मैंने ट्वेल्व सी फोर फेस कार्ड वाला याद है एंड देन दो कार्ड सेम कलर ट्वेंटी सिक्स सी टू इंटू ट्वेंटी टू एंड चारों पत्ते सेम कलर ट्वेंटी सिक्स सी फोर प्लस ट्वेंटी फोर डन एनी प्रॉब्लम चलिए तो ये पेपर हो चुका है और अब इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो बेटा मुझे ये बताइए कि आपने ये क्वेश्चन अभी तक करे कि नहीं करे थर्टी फाइव किया आपने कि नहीं किया बट बन नहीं बना मतलब है ना हाँ, चलिए ओके मतलब मुझे करवाना है ठीक है सेकंड इसका और वाला बनेगा कि नहीं बना बन गया और वाला ही किया है और वो नहीं बना है ना चलिए दोनों करा देंगे इस पर भी जीरो लग गया नेक्स्ट बेटा थर्टी सिक्स देखिए पूरे बन गए इसके पूरा हो गया ना हाँ बहुत सिंपल है बिल्कुल बनना भी चाहिए तो थर्टी सिक्स आपका हो गया मतलब चार नंबर आपकी झोली में थर्टी सिक्स के बाद थर्टी सेवन पूरा बन गया तो बेटा ट्राई कर लो एक बार थर्टी सेवन ओके एंड लास्ट थर्टी एट नहीं किया चलिए और सेकेंड पेपर अभी स्टार्ट नहीं किया ना ठीक उनको छोड़ दीजिए जो आपके काम के हैं ठीक है उनको छोड़ दीजिए जो आपके काम के हैं उनको, है। उनको आप करते रहिए चलिए ओके 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 ठीक है तो ये तीन क्वेश्चन करके लाएंगे और जाते जाते एक फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ वो आप नोट कर लें जीपी का फार्मूला लिखे फॉर्मूला फॉर जीपी फॉर्मूला फॉर जी पी फौर जीपी जी की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है फर्स्ट टर्म ए देन ए आर देन ए आर स्क्वायर ठीक है देन ए आर क्यूब ए आर क्यूब देन ए आर की पावर फोर डॉट 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 तो देखिए फर्स्ट टर्म में आर की पावर जीरो है सेकेंड टर्म में आर की पावर वन है थर्ड टर्म में आर की पावर टू है फोर्थ टर्म में आर की पावर थ्री है तो ए जी पी के एंथ टर्म में आर की पावर एन माइनस वन होगी और एन टर्म बनेगा ए आर की पावर एन माइनस वन r आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो

ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ठीक है ये कब लगेगा वेन आर इज ग्रेटर देन वन हाँ और दूसरा फॉर्मूला ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर ये कब लगेगा वेन आर इज लेस देन वन क्या बेटा दोनों सेम है अगर गलत भी लगा दोगे तो भी आंसर सही आएगा क्योंकि ऊपर भी माइनस 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 दोनों मल्टीप्लाई करके नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा ठीक है ना तो कोई गलत नहीं है कोई भी आप याद कर लो डन नाउ इन्फाइट टर्म्स का फॉर्मूला एस इनफिनिटी इक्वल टू लिखे ए अपॉन वन माइनस आर ठीक है। चलिए तो दोस्तों कल इसके आंगे की